नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और इस बुलेटिन में आपको हम सबसे पहले बड़ी खबर बता दें। हाथरस हादसे पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भगदड़ से मरने वालों में 108 महिलाएं, एक पुरुष और 7 बच्चों की भी मौत हुई है। 70 शवों की अब तक शिनाख्त हुई है। मुख्य सचिव यूपी की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। घायलों का इलाज हमारी प्राथमिकता, 80,000 लोगों के लिए दी गई थी इजाजत, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उसमें 7 बच्चे हैं और अभी एक पुरुष की बात है, बाकी शेष महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग हैं। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है, जो 72 के अलावा बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है, उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए हैं। हाँ। और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, घटनास्थल पर पहुंची डीजीपी प्रशांत कुमार, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। डीजीपी की तरफ से ये कहा गया है या आश्वासन दिया गया है, 24 घंटों में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। आज रात घटनास्थल पर ही कैंप करेंगे प्रशांत कुमार, 24 घंटों में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक समिति का गठन किया गया है और इस पूरे मामले में अब जांच तेज होती जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर जो रिपोर्ट तैयार होने की समय सीमा तय की गई थी वो थी 24 घंटे की, तो 24 घंटों के भीतर 24 घंटे में इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है। 24 घंटों में सौंपी जाएगी रिपोर्ट, डीजीपी का ये बयान। कितना पालन किया गया और क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई, इन सभी चीजों को FIR के बाद विवेचना के दौरान देखा जाएगा। FIR दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी ADG जोन और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा।